हर गार्डनर्स का सपना होता है कि वह अपने घर पर खुद की शिमला मिर्च उगाए। अगर आपका भी ये सपना है और आप चाहते हैं अपने घर पर गमले या ग्रो बैग में शिमला मिर्च को उगाना, तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना है। आज के वीडियो में मैं शिमला मिर्च के बीज से इसके पौधे तैयार करने की सही विधि क्या होती है वह बताऊंगा, साथ में इन पौधों को जब ये बड़े हो जाते हैं तो इन पौधों को बड़े ग्रो बैग में ट्रांसफर करने की मेथड मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना है, किस ग्रो बैग में लगाना है। जब आप शिमला मिर्च के पौधे लगा देंगे तो उसके बाद इनकी क्या केयर करनी है और कौन कौन सी खाद देनी है, शिमला मिर्च के पौधों को किस जगह पर रखना है और साथ में इसमें आने वाली जो भी रोग हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज शिमला मिर्च के बीज से लेकर इस तरह से शिमला मिर्च हार्वेस्ट करने तक की आपको पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूं कंप्लीट केयर के बारे में, जो कि शिमला मिर्च के बारे में है। तो आज हम जानेंगे कि घर पर शिमला मिर्च कैसे उगाएं और उसकी केयर कैसे करें। जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये हमारी ऑरेंज कैप्सिकम है, मतलब कि ऑरेंज कलर की ये शिमला मिर्च है। पहले तो ये ग्रीन ही होती है, देखिए इस तरह से, बाद में इसका कलर ऑरेंज हो जाता है। तो आप अपने घर पर ग्रीन, ऑरेंज, येलो, पर्पल, इस तरह की अलग अलग कलर की शिमला मिर्च उगा सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे इस शिमला मिर्च के एक पौधे में कितनी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे तो 10 से भी ज़्यादा शिमला मिर्च इसमें अभी लगी हुई हैं और 2 शिमला मिर्च ये अभी ऑरेंज हो गई हैं। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले शिमला मिर्च लगाने की शुरुआत होती है इसके अच्छे क्वालिटी के बीज लेने से। तो जो शिमला मिर्च के बीज हैं वह आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ पर आपको ग्रीन कैप्सिकम, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल, सब तरह की कैप्सिकम के हाइब्रिड बीज मिल जाएंगे। इन्हें उगाना बहुत आसान है, साथ में इनमें जर्मिनेशन रेट इनका बहुत अच्छा है। शिमला मिर्च के बीजों को उगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए हाइब्रिड अच्छी क्वालिटी के बीज लें। ये जो बीज हैं इनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप अपने लोकल मार्केट में अगर आपको हाइब्रिड बीज मिलते हैं तो आप वहां से भी ले सकते हैं। तो शिमला मिर्च के हमने गुड क्वालिटी के बीज ले लिए। अब इन बीज को लगाकर हमें पौधे तैयार करने हैं। तो बीजों को लगाकर जब हम पौधे बनाते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, कुछ इस तरह से आप पौधे बनाएंगे। तो ये जो पौधे हैं ये हमने, देखिए, ये कोकोपीट क्वाइंस जो होती हैं उसमें लगाए हुए हैं। और ये जो कोकोपीट क्वाइंस हैं मैं आपको दिखा दूँ तो कुछ इस तरह से आपको मिलेंगे, देखिए इस तरह से मिलेंगे। और जब आप इसमें पानी डालेंगे या इसको पानी में डाल देंगे तो वह इस तरह से बड़ी कोकोपीट बन जाएगी, मतलब इसमें नॉर्मल कोकोपीट ही होती है। तो ये कोकोपीट क्वाइंस में आप लगा सकते हैं, या फिर दूसरा जो तरीका है वह है कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट। तो देखिए, ये हमने जो मिक्सचर लिया है सीडलिंग ट्रे में, उसमें हमने कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट मिलाया है। ये हमारा बर्मी कंपोस्ट है जो आप देख रहे हैं, और ये हमारी कोकोपीट है सामने जो इसमें आप देख रहे हैं। तो ये कोकोपीट है और ये थोड़ी सी मॉइस्ट है, अगर गीले सूखी की बात करें तो इस तरह से सूखी कोकोपीट होती है। तो उस कोकोपीट को 50% कोकोपीट, 50% इस तरह से बर्मी कंपोस्ट लेकर हमने मिक्सर बनाया, मिक्सर को इसमें भर लिया है और इस तरह से ये देखिए अब यहाँ पर हम बीज लगा सकते हैं। अब बीज लगाने के लिए हमने कुछ कैप्सिकम के सीड ले लिए हैं, देखिए जैसे ये रेड कैप्सिकम के 2 सीड हैं जो मैं आज आपको लगाकर दिखाऊंगा। और फिर ये जब बीज उग जाते हैं, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, जब ये बीज उग जाएंगे और पौधे लगभग इतने बड़े हो जाएं जितना कि ये पौधा दिख रहा है, या मैं आपको दिखा दूं ये पौधा दिख रहा है, इसके बाद आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं, या फिर इतने बड़े पौधे भी आप इस तरह से थर्मापोम पॉट में लगा कर सकते हैं। और फिर इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगाना है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए, ये ग्रो बैग है हमारा जो कि 12x12 इंच का है। 12x12 इंच के ग्रो बैग से हम शिमला मिर्च लगा सकते हैं, और इससे बड़े साइज का ग्रो बैग लेंगे तो बहुत अच्छा है। बाकी इस ग्रो बैग में एक शिमला मिर्च अच्छे से हो जाती है। सामने आप देख सकते हैं लगभग हमने 12 शिमला मिर्च के पौधे लगा दिए हैं, और 3 यहाँ पर मैंने आपको बताने के लिए अभी बैग खाली छोड़े थे जिसमें मैं ये शिमला मिर्च के पौधे लगा दूंगा। देखिए, ये पौधा भी तैयार है लगाने के लिए, और खासियत मैं आपको दिखा दूँ तो इनमें फूल भी आने लगे हैं। तो
तो शिमला मिर्च के सबसे पहले बीज लगाना सीख लेते हैं। बीज लगाने के बाद पौधे बनाने में लगभग एक महीने का समय लग जाता है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि शिमला मिर्च को किस समय लगाएं। तो शिमला मिर्च जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत लो टेम्परेचर को छोड़ के, मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस को छोड़ के और 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर है तो उसको छोड़ दें, तो बीच में बहुत अच्छी होती है, मतलब 11 से 29 डिग्री सेल्सियस, ये एक आइडियल टेम्परेचर है जब आप शिमला मिर्च और हरी मिर्च की ढेर सारी वेराइटी लगा सकते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है फरवरी का, बहुत अच्छा समय है शिमला मिर्च लगाने का। आप इस समय शिमला मिर्च के बीज लगाना शुरू कर सकते हैं। तो शिमला मिर्च के जो बीज हैं उनको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि इन्हें कैसे लगाना है। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं, देखिए ये शिमला मिर्च का हमने बीज लिया है, रेड शिमला मिर्च है, इसको आपको यहाँ पर 1/2 इंच की गहराई पर लगाना है, बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, ऊपर ही हमने इसको रख दिया है और इसको इस तरह से आपको ढक देना है। अगर मैं इस कोकोपीट क्वाइंस की बात करूं तो इसको देखिए हम इस सीडलिंग ट्रे में रख देते हैं और इसमें कितने गहराई पर लगाएंगे, तो इसमें भी हमें यहाँ पर थोड़ी सी जगह बनानी है। ये हमने बीज डाल दिया और इसी कोकोपीट से इसे हमने कवर कर दिया है और अब इसमें आपको देना है पानी। तो पानी कैसे देंगे, किसी भी इस तरह से छोटी कैन की मदद से आपको इस तरह से पानी दे देना है। पानी इतना दें कि जो कोकोपीट है या जो सीडलिंग मिक्स है आपका वो अच्छे से गीला हो जाए। इसके बाद दोबारा पानी आपको तभी देना है जब ये जो आपको सीडलिंग मिक्स है ये सूखा दिखे। तो इस तरह से देखिए हमने रेड कैप्सिकम के बीज लगा दिए। अब बीज लगाने के बाद जो पौधे उगना शुरू होते हैं इसमें 7 से 10 दिन का समय लग जाता है। यह डिपेंड करता है कि आपके एरिया का टेम्परेचर कितना है। और ये जो सीडलिंग ट्रे है इसे आप उस जगह पर रखिए जहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट हो, जैसे कि विंडो के पास आप इसे रख सकते हैं, इंडोर अगर आप सीड जर्मिनेट कर रहे हैं तो विंडो के पास रखिए। अगर नॉर्मली आप टेरेस पे रखते हैं तो ऐसी जगह रखिए जहां थोड़ा सा गर्माहट बनी रहे, धूप भी आती हो। 7 से 10 दिन में बीज जर्मिनेट हो जाएंगे और उसके बाद पौधे बहुत जल्दी बढ़ते हैं, कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए कुछ इस तरह से कोकोपीट क्वाइंस में ये पौधे बन गए हैं। इन्हीं पौधों को मैंने निकाल कर जो है इस तरह से पॉट में लगा दिया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर ये देखिए कोकोपीट क्वाइंस सीधा हमने रख दिया है। कुछ लोगों का सवाल आ रहा था कि ये जब कोकोपीट क्वाइंस में हम पौधे को उगाएंगे तो ये जो इसका ऊपर का कपड़ा है इसे अलग करना है। नहीं, आपको इसके सहित ही गमले की मिट्टी में इसे लगा देना है, इसमें से रूट बाहर आ जाती हैं। डिस्पोजल ये जो कपड़ा होता है पूरी तरह से डिस्पोजल होता है तो ये धीरे धीरे मिट्टी में ही मिल जाता है। तो अब इसमें क्या है, हमने ये पौधे बना लिए। अब हम इस पौधे को जब ये इतना बड़ा हो जाए, लगभग 4 इंच का या 6 इंच का, जैसे ये आप देख रहे हैं इतना बड़ा हो जाए, जैसे आपके पास अगर इतना बड़ा हो गया है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना है तो आप इसको डायरेक्ट ग्रो बैग में लगा सकती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ तो हमने अभी देखिए ये पौधा लगाया हुआ है, इसको डायरेक्ट हमने पौधे को निकाल कर इस 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगा दिया है। तो अभी मैं बताता हूँ कि आपको इस तरह के पॉट से इसको ग्रो बैग में कैसे लगाना है। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है इस तरह के डिटेल वीडियो बनाने में, जिसमें बीज लगाने से लेकर हम पौधे से फल तोड़ने, मतलब इस तरह से शिमला मिर्च तोड़ने तक की जानकारी देते हैं। हमने टमाटर पर भी पूरा डिटेल वीडियो बनाया है और टमाटर के बीज लगाने से लेकर तोड़ने तक का उसमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें, आपके राइट साइड पर आई बटन शो हो रहा होगा, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब जो ये हमने ग्रो बैग लिए हैं इनमें शिमला मिर्च के पौधे लगाते हैं। अब देखिए पौधा लगाने से पहले जो जरूरी चीज है कि शिमला मिर्च को लगाने के लिए आपको मिट्टी कैसी लेनी है। तो मिट्टी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, मिट्टी कैसे बनानी है गमले की, इस पर डिटेल वीडियो मेरा पब्लिश है चैनल पे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। बाकी जो ये मिट्टी है ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए जो शिमला मिर्च के लिए हम यूज करेंगे, साथ में इसमें न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। तो इस मिट्टी को हमने बनाया है 30% कोकोपीट, 30% नॉर्मल जो मिट्टी होती है उसे लिया है, 30% मिलाया है इसमें कंपोस्ट खाद, जिसमें बर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, इस तरह की खाद है, और 10% में अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे बोन मील, मस्टर्ड केक और नीम खली, इस तरह की चीज़ें हमने मिलाई हैं ताकि हमारे पौधे को सही न्यूट्रिशन मिलता रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ये मिट्टी
बन गई है, पूरी तरह से भुरभुरी मिट्टी है। और अब ये मिट्टी क्या होगा कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं रुकेगा, तो शिमला मिर्च में पानी नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी बहुत ज़्यादा रुकेगा तो शिमला मिर्च में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आएगी और साथ में इसके पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पौधा है उसे लगाने के लिए पहले तो हम थोड़ी सी जगह बना लेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको जगह बना लेनी है। और जब आप पौधे को इस तरह से थर्माफोम पॉट में लगाएंगे तो यहाँ से निकाल कर हम लगा देंगे। और नॉर्मली पौधे अगर आपके कोकोपीट कॉइन में है तो कॉइन को उठा के सीधा आपको इसमें रखना है। जैसे कि हमने ये थर्माफोम पॉट में लगाया है, तो देखिए इसे निकालने का तरीका बता दूँ। इस तरह से इसे आपको पकड़ना है, इस तरह से आपको उल्टा करना है इसे हल्के हाथों से, और इस तरह से हम इसे खोल लेंगे। जैसे ही आप देख रहे हैं तो देखिए कितनी अच्छी रूट बॉल हमारे शिमला मिर्च के पौधे की बन गई हैं। अब बिल्कुल ये तैयार है ट्रांसफ़र करने के लिए। आपको इस तरह से नीचे इसे पकड़ लेना है और अब इसे हम इसी जो मिट्टी है इसी में लगा देंगे। तो जो हमने स्पेस बनाया है इसमें ही हम इसे अच्छे से रखना है, हमें सीधा इस तरीके से जो आप देख रहे हैं, और फिर इसके ऊपर ही ये मिट्टी डाल देनी है और हल्के हाथों से इसे दबा दीजिए। तो कुछ इस तरीके से आप जो शिमला मिर्च के पौधे हैं इन्हें लगा सकते हैं। अगर थोड़ी मिट्टी कम आपको लगे तो आप ऊपर से बराबर कर दीजिए, ताकि जो रूट बॉल है वो पूरी तरह से कवर हो जाए हमारे शिमला मिर्च के पौधे की। अब इसे हमने लगा दिया है और लगाने के तुरंत बाद जैसे ही हमने इसे लगाया है हमें देना है पानी। अब यहाँ पे पानी हम देंगे इस तरह से वाटरिंग कैन की मदद से, और इसमें हमने कंपोस्ट खाद मिलाई है। तो अभी हमें 15 दिन तो इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं है, 15 दिन के बाद हम इसमें खाद देना शुरू करेंगे। तो अभी जब तक पौधों में फूल नहीं आता तब तक आप इसमें नाइट्रोजन रिच खाद दीजिए, जैसे सरसों की खली आप दे सकते हैं। इसके अलावा आप गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट जैसी खाद भी दे सकते हैं, इसके साथ नीम खली को मिला सकते हैं, ऐसी खाद दीजिए। इसके बाद जब इसमें फल आने लगे तो उस समय आप बोन मील या फॉस्फोरस रिच खाद आपको देनी है, रॉक फास्फेट आप दे सकते हैं। हर 15 दिन में एक बार आपको इसमें खाद देनी है। और इसके बाद लगभग जैसे हमने ये पौधे लगाए तो 30 दिन बाद इनमें फूल आना शुरू हो जाएंगे, और लगभग पूरे 90 दिन बाद इनमें हमें जो है शिमला मिर्च मिलेंगी। बाद में जब इसमें शिमला मिर्च आएंगी तो आप इनमें से शिमला मिर्च तोड़ पाएंगे। अब बात करते हैं इसमें रोग क्या आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है शिमला मिर्च में लीफ कर्ल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सामने ये हमारा जो शिमला मिर्च है इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए इसके दो रीज़न होते हैं, या तो कैल्शियम की कमी है या लीफ कर्ल वायरस का अटैक है। तो लीफ कर्ल जब वायरस का अटैक होता है उस समय हम अगर पहले से इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे छोटे पौधों में ही तो कम वायरस का अटैक होगा, तो हमारे पौधे लीफ कर्ल वायरस से बच जाएंगे। और कैल्शियम की कमी के लिए जैसे हमने बोन मील मिलाया है, अगर आप बोन मील नहीं मिलाते तो फिर आपको इसमें चूने का पानी देना होगा। एक चम्मच चूना 1 लीटर पानी में घोलकर एक ग्रो बैग में आपको डालना है, ज़्यादा चूना नहीं डालना है वरना मिट्टी का पीएच बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर आप जिप्सम यूज करना चाहें तो जिप्सम बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का, कैल्शियम और सल्फर होता है उसमें, तो आप जिप्सम मिला सकते हैं। जिप्सम से भी कैल्शियम की कमी नहीं होती और लीफ कर्ल की प्रॉब्लम नहीं होती, और बाकी इसमें बहुत ज़्यादा रोग नहीं आते। और इसे रखना कहाँ है, तो शिमला मिर्च के पौधों को लगभग 6 से 8 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। अगर आप समर में लगा रहे हैं तो सेमी शेड एरिया में शिमला मिर्च के पौधे बहुत अच्छे से हो जाएंगे, और नॉर्मली अगर आपके एरिया में 6 घंटे 7 घंटे की धूप आती है तो फिर आप वहाँ पर रख दीजिए, बहुत अच्छे से शिमला मिर्च होंगी। और कलरफुल शिमला मिर्च की खासियत बताऊं कि अगर जैसे ये ऑरेंज है तो इसमें पहले ये ग्रीन ही आएगी, और ग्रीन शिमला मिर्च आएगी उसके बाद ये ऑरेंज होगी। पर्पल में वो छोटे से ही पर्पल होती है, तो उस तरह से हो जाएगी। इसके बाद जब शिमला मिर्च इतनी बड़ी हो जाए तो आप इन्हें तोड़ लीजिए। शिमला मिर्च जब आप तोड़ लेंगे इसके बाद फिर इसमें ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर से इसमें फ्रूटिंग हो सकती है। शिमला मिर्च में लगभग 2 से 3 बार फ्रूटिंग हो जाती है, और इसके पौधे लगभग 4 से 6 महीने आराम से चलते हैं। उसके बाद आपको इन्हें हटाना होगा और नए पौधे लगाने होंगे। तो इस तरह से आप अपने होम गार्डन में छोटे पौधे बनाकर, इस तरह से बीज से पौधे बनाकर, और इस तरह उन्हें ग्रो बैग में लगाकर इस तरह से शिमला मिर्च तोड़ सकते हैं। बाकी शिमला मिर्च का पौधा थोड़ा सा
मीडियम लेवल का है, मतलब अगर आप मीडियम लेवल की गार्डनिंग करती हैं, बिल्कुल बिगनर्स नहीं हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो मैंने जो वीडियो में आपको टिप्स दी हैं उन्हीं को फॉलो करें, आपके बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप अपने घर पर इस तरह से शिमला मिर्च उगा लेंगे और उससे फिर शिमला मिर्च तोड़कर अपने खाने में इस्तेमाल भी करेंगे। बस ध्यान रखें कि शिमला मिर्च के बीज अच्छी क्वालिटी के लें, अगर आप अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएंगे तभी ये सारी मेथड जो मैंने बताई है वो काम करेगी। अगर आपने बीज अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ये बीज लेने की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कलरफुल कैप्सिकम के साथ साथ इस तरह से ग्रीन कैप्सिकम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बीज अच्छे लीजिए, अच्छे से ये जो मिट्टी है अच्छे से बनाइए, पौधों को अच्छे से लगाइए, उनकी केयर कीजिए और अपनी खुद की शिमला मिर्च इस्तेमाल कीजिए। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना शिमला मिर्च को कैसे लगाएं घर पर, कैसे उगाएं, बीज कैसे लगाएं, क्या खाद देना है और क्या क्या केयर करनी है। इन सब टिप्स के बाद भी अगर आपके कोई डाउट हैं शिमला मिर्च को उगाने को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को शेयर करें और इसी तरह हमारे वीडियो देखते रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।